This news is brought to you by Kappa Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, Kappa Fusion has 7 state-of-the-art pharmacies located across the country. Visit us at kappafusion.com to learn more about the benefits of in-home infusion therapy. सेंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिबिल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साल डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सेंटियागो कैनियन कॉलेज अमरीका में दाखिलों की जमानत देता है। सेंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा जेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नासरीन, आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। मैं हूं आयशा तहसीन। आलमी खबरनामे से अहम खबर शामिल करते हैं। चीन के खिलाफ इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए अमरीकी सेक्रेटरी दिफा एशिया के दौरे पर रवाना हो गए। जापान और जनूबी कोरिया के दौरे में सेक्रेटरी खारजा एथनी बॉल्कन भी हमरा हैं। अमरीकी पुलिस के तशद्दुद से हलाक होने वाले स्याफाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड के अहले खाना को मुकामी इंतजामिया ने $27 मिलियन देने का फैसला कर लिया। नई अमरीकी हुकूमत के बारहा राबते पर शुमाली कोरिया का बददस्तूर सर्दमहरी का मुजाहरा। सदर जो बाइडेन ने शुमाली कोरिया के सरबराह से बात करने की ख्वाहिश का इजहार किया था ताकि खित्ते में जारियत और तनाव को कम किया जा सके, लेकिन ताहम इस जानिब से किसी किस्म का जवाब नहीं दिया गया, आला हुकूमती ओहदेदार का दावा। म्यांमार में जमहूरियत पसंदों के लिए एक और होने दिन गुजरा। फोर्सेस की फायरिंग से 19 मुजाहरीन मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार भी जान बहक। यंगून के 2 इलाकों में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। दूसरे शहरों में सिक्योरिटी फोर्सेस के क्रैकडाउन के बाद भी मुजाहरे जारी हैं। भारत में ताजर भी किसानों के शाना बशाना खड़े हो गए। रेलवे स्टेशन और DC दफातर के बाहर मुश्तरका एहतजाज किया। वादी हुकूमत ने संगू बॉर्डर पर कई मुजाहरीन को गिरफ्तार कर लिया। अब देखते हैं पाकिस्तान की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके नौशहरा में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। जैतून का पौधा लगाने के बाद जनाब इमरान खान को जैतून के दरख्त से मुतालिक तफसीलात से आगाह किया गया। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान मुमालिक की तंजीम OIC के साथ खड़ा है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाते हुए तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि OIC ग्रुप की इस्लामोफोबिया के खिलाफ बुध को न्यूयॉर्क में तकरीब होगी। मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज ने नैब पर बड़ा इल्जाम लगा दिया। कहती है नैब हुक्म का गुलाम है और इसे मुखालफिन को पकड़ने का हुक्म दिया गया है। बयानात जांचने का अख्तियार नैब को कैसे मिल गया। कोरोना की तीसरी लहर ने पाकिस्तान को लपेट लिया। केसेस में इजाफे के बाइस वफाकी दारुल हुकूमत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा के 7 इजला में शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स में तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गयी। सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। आयरलैंड ने AstraZeneca वैक्सीन का इस्तेमाल आरसी तौर पर रोक दिया है। दूसरी जानिब इटली में AstraZeneca कोरोना वैक्सीन लगवाने से खातून के इंतकाल के बाद आरसी तौर पर मुअत्तल वैक्सीन की मुहिम ताहाल बहाल न हो सकी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का ऐलान कर दिया गया। मसलसल 5वीं रोज 2000 से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 29 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। पंजाब के 4 शहरों में 70% केसेस COVID-19 की नई बरतानवी किस्म की निशानदही कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सी वबाएं तबाही फैलाने के लिए पर तोल रही हैं। तुर्क डॉक्टर का दावा, कहते हैं कोरोना वायरस की मोहलिक तरीन वबा ने दुनिया को मुस्तकबिल में पेश आने वाली सूरत हाल के बरखिलाफ तैयार किया है। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। पाकिस्तान में शोहरत की बुलंदियों को छूते अदाकार इमरान अशरफ से लाहौर के मैदान ने अनोखे अंदाज में ऑटोग्राफ लिया। रस्सी से जुड़ा बर्तन नीचे बेचकर अदाकार से ऑटोग्राफ देने की ख्वाहिश का इजहार किया। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार और अदाकार अली जफर को नेदरलैंड की खातून ने शादी की पेशकश कर दी। सोशल मीडिया पर सवाल जवाब के दौरान खातून ने इस अनोखे सवाल के जवाब में अली जफर ने कहा कि ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
एवेंजर्स एंड गेम अब दुनिया की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म नहीं रही। फिल्म एवेटर ने एक बार फिर ये एहसास अपने नाम कर लिया। चीन में दोबारा रिलीज के बाद दो दिन में ही एवेटर का बॉक्स ऑफिस मजमुआ 2.798 अरब डॉलर से आगे निकल गया। आइए अब देखते हैं तजारत की दुनिया से। दुनिया भर में असलहे की खरीदारी में एक दहाई के बाद कोई इजाफा नहीं हुआ। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का इंकशाफ रिपोर्ट के मुताबिक असलहा फरोख्त करने वाले तीन बड़े मुमालिक अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी की डिलीवरी में इजाफा हुआ, लेकिन रूस और चीन की एक्सपोर्ट में कमी से मजमुई तौर पर असलहे की फरोख्त घट गई। पाकिस्तान में चीनी की कीमत एक बार फिर बेकाबू हो गई। कराची और लाहौर में चीनी की फी किलो कीमत 100 रुपए से तजावुज कर गई, जबकि सरकारी नर्ख 84 रुपए फी किलो ही मुकरर है। आलमी मालियाती फंड प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में रवा साल 2 मरतबा बिजली के नरखों में इजाफे का इम्कान पैदा हो गया। ओग्रा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतालिक समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। और आखिर में शामिल करते हैं दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। कनाडा में 3 सरों वाला बत्तख का अजीब अलखलकत बच्चा सामने आ गया। हॉलिफैक्स के शहरी को चीन से भेजा गया नामालूम पार्सल मसूल हुआ। पार्सल से 3 सरों वाला बत्तख का बच्चा बरामद हुआ। चूजे के साथ इसे हवादार जगह पर रखने की हदायत का पर्चा भी मौजूद है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज के दौरान रोते हुए बच्चे को चुप कराते चीफ फ्लाइट अटेंडेंट की तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। पाकिस्तानी गुलकार फखरे आलम ने इस्लामाबाद से कराची आने वाली फ्लाइट अटेंडेंट की तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें सराहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट जमाल ख्वाजा। हर हफ्ते आपके लिए लाता हूं रियल स्टेट, रियल स्टेट की इंफॉर्मेशन। मैं 20 साल से रियल स्टेट में हूं, आपके साथ मिलकर शेयर करना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस को। रियल स्टेट मॉर्गेज पेमेंट्स, रियल स्टेट परचेजिंग, रियल स्टेट फ्लिपिंग, इन्वेस्टमेंट और आपके सवाल के जवाब के लिए हाजिर हूं। प्लीज देखते रहिए पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल स्टेट। वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट लॉस एंजलिस का सरफरिस्त शानदार, वतन से दूर वतन की खुशबू, मजेदार लज्जत से भरपूर मुगलाई खाने, मुमताज भाई के हाथों बने खानों के सब दीवाने। यहाँ मिलते हैं टिक्का निहारी और कबाब, पाए पुलाव और नान कबाब, कैटरिंग पार्टी 1 से लेकर 1,000 लोगों तक आसानी, अमेरिका के मुमताज ब्रांड होटलों में खसूसी इंतजाम। अभी राबता कीजिए वहीद भाई से। अल वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, वतन से दूर वतन की खुशबू, 3106446395। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए ओपी टीवी ग्लोबल।